Hello guys, welcome back to our YouTube channel Man Imperfect. It's me Hansraj here. हमने previous lecture में discuss किया था कि आपके पास flow of information कैसे होता है and then flow of information in the form of electrical signals through electric wires and in the form of light signals through optical fibers कैसे होता है. Okay? If you want to watch that video, description में आपको playlist की link मिल जाएगी जहाँ से you can access all the videos जो कि मैंने अभी तक ना अपलोड की हुई है. आज वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स रेडियो वेव्स थ्रू ईयर. ओके, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स थ्रू ईयर. सो लेट्स स्टार्ट इट. वैसे सिंपल बात कहूं, यहाँ पे अगर आप रेडियो वेव्स की ट्रांसमिशन थ्रू रेडियो वेव्स देखेंगे इंटरनेट पे आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन हाँ वो सारे के सारे सही हैं. ऐसा नहीं कह रहा गलत है, प्रॉब्लम ये है कि वो आउट ऑफ लेवल है. आप उसकी ट्रांसमिशन, मैं सिम कॉल जो कर रहा हूँ उसकी ट्रांसमिशन मेरे पास गिवन है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब आप कॉल की, आपका कनेक्शन पूरा बन गया. वो कनेक्शन कैसे बना वी डोंट हैव टू डिस्कस. कनेक्शन बन गया, अब आप बात कैसे करेंगे. आप सिंपल बात करेंगे जैसे कर रहा हूँ मैं अभी आपसे. आपका प्रोसेसिंग कैसे होगा बात का. आप जो बात करें, देयर इज अ साउंड, एक वॉइस है. वॉइस को क्या है, माइक्रोफोन लेगा. माइक्रोफोन क्या है, माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जो कि साउंड को इनपुट लेता है. इनपुट लेगा, देन आपकी ऑडियो को एम्पलीफाई करेगा थ्रू ऑडियो एम्पलीफायर. ओके, अब एम्पलीफाई करने से क्या फायदा होगा, तो आपके एम्पलीट्यूड जो है ऑडियो का वो इंक्रीज हो जाएगा. वॉट इज एम्पलीट्यूड, अगर किसी बंदे के जहन में ये ख्याल आता है, सवाल आता है, तो काइंडली वेट करें जब मैं एस एच एम को लेके आऊंगा तब आपको वहां पे डिस्कस करवाऊंगा वॉट इज एम्पलीट्यूड. ओके, देन आपके जो वॉइस है ऑडियो में, ऑडियो एम्पलीफायर होके देन आ जाएगी आपके पास मॉड्यूलेटर के अंदर. आर एफ मॉड्यूलेटर यूज होता है आपके रेडियो वेव्स के सिस्टम में. अब मॉड्यूलेटर क्या करेगा, आपके उस ऑडियो सिग्नल को मॉडिफाई करेगा और है ना उसकी वेव्स में छेड़छानी करेगा, मतलब मॉडिफाई करेगा. देन अगेन उसे एम्पलीफायर में से पास किया जाएगा एंड देन उसे हम सेंड करेंगे एंटीना के पास. ओके, अब एंटीना क्या करेगा, आपके इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिकल पल्सेस को कन्वर्ट करेगा इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, मतलब कन्वर्ट करेगा इनटू रेडियो वेव सिग्नल्स. एंड रेडियो वेव सिग्नल्स आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं. ओके, सो रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करने के बाद इसने क्या कर दिया, उन्हें फेंक दिया, बस सेंड कर दिया. अब ये हो गया आपके पास ट्रांसमीटर की साइड. ऑन रिसीवर एंड क्या होगा, वो एंटीना उन सिग्नल्स को लेगा. ओके, और ये एंटीना सिग्नल्स को लेके उन्हें कन्वर्ट करेगा फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स टू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. याद रखना, इसमें से एमसीक्यू आ चुका है कि आपके पास जो ट्रांसमीटर एंड है, दिस वन ट्रांसमीटर एंड जहां से आप है ना वॉइस सेंड कर रहे हैं, ऑडियो सेंड कर रहे हैं, वहां पे जो एंटीना है दैट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स. एंड ऑन दूसरी साइड आपके पास जो रिसीवर एंड है वहां पे एंटीना काम करता है कन्वर्ट करने का कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का. ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट होंगी, देन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स यहाँ पे एम्पलीफाई होंगे. ओके, देन वो डीमोड्यूलेट होंगे, जो मॉडिफिकेशंस की थी हमने उसे एंटीना के पास भेजकर रेडियो वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए जो मॉडिफिकेशन हमने की थी उन्हें वापस हमने हटाएंगे डीमोड्यूलेटर के जरिए. देन अगेन उसकी ऑडियो को एम्पलीफाई करेंगे, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है तो उसका ना एम्पलीट्यूड कम हो गया होगा, देयरफॉर हमने उसे उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज किया थ्रू ऑडियो एम्पलीफायर. एंड देन वी सेंड इट टू द लाउड स्पीकर. लाउड स्पीकर क्या करेगा, आपके उस साउंड को दिखा देगा आपको. ओके, सो ये रेडियोज पहले यूज होते थे और आपके पास जो फोन कॉल्स हैं वो रेडियो वेव्स पे काम करती हैं. ये सारा का सारा फिनोमेना यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट यू कैन रीड इट ऑल बाय हियर. बात की जाए 17.2 की, तो आप इसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं. आई होप यहाँ तक ये वीडियो आपको समझ आ रही है. अगर आ रही है रेडियो वेव्स के थ्रू आपके ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन समझ में आ गया, तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेशन दो तो मैं आगे बढ़ूं. कर दिया, थैंक यू. मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स 17.3 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. 17.3.1 हमें डिस्कस करना है, कहता है डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ फैक्स मशीन, सेल फोन, फोटोफोन एंड कंप्यूटर. सो फैक्स मशीन को स्टडी करते हैं हम.
एंड हम खोलते हैं, ओपन करते हैं यूट्यूब को एंड न्यू टैब. जब तक ये लोड हो रहा है तब तक हम बात करते हैं फोटोफोन की. ओके, फोटोफोन क्या है? ये एक ऐसा फोन है, टेलीफोन का एक ना कह सकते हैं एडवांस फॉर्म है. हियर इट इज, इसके नीचे है फोटोफोन. फैक्स मशीन, सेल फोन, या हेयर एडेस. ओके, मैं बुक में से समझा रहा हूँ बिकॉज इंटरनेट पे इसकी दो तीन डेफिनेशन आती हैं कि फोटोफोन. इंटरनेट पे इसकी दो डेफिनेशन आती हैं. फोटोफोन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा टेलीफोन है जिसमें आपके पास जो ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स है वो होती है थ्रू ऑप्टिकल फाइबर इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव्स. ओके, लाइट सिग्नल्स, एक डेफिनेशन ये. दूसरी डेफिनेशन ये है कि यहाँ पे यू कैन सी द फोटो जिससे आप बात कर रहे हो. ओके, तो अकॉर्डिंग टू बुक जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज करेक्ट. फाइंड करते हैं, रीड करते हैं. फोटोफोन क्या है? मॉडर्न वर्जन ऑफ फोटोफोन और वीडियोफोन एज शोन इन 17.8, मतलब ये डायग्राम आपको दिखाई गई है. कहता है कंट्ररी टू अ कॉमन टेलीफोन यूजर्स कैन सी द पिक्चर्स ऑफ ईच अदर. ये पिक्चर्स यू आर सीइंग हियर, सो आपको नंबर डायल नहीं करना पड़ेगा. आप डायरेक्ट उस पिक्चर पे क्लिक करो एंड उस बंदे के पास है ना आपकी कॉल चली जाएगी विदाउट डायलिंग एनी नंबर. ओके, जैसे यू कैन सी दिस प्लस का साइन हेल्थ या हॉस्पिटल के लिए, और ये बंदे की एक तस्वीर लगी हुई है, उनसे बात कर सकते हैं. ऐसे एक ऑप्शन है यहाँ पे. ओके, सो कहता है बाई यूजिंग द फोटो एंड फोन नंबर्स ऑफ आवर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स ऑन दिस टेलीफोन वी कैन कॉल देम बाई प्रेसिंग द पैड विद देयर फोटो. सो यही मैंने कहा, इनकी जो फोटो लगी है उस बटन को दबाओगे ना तो उनके पास कॉल चली जाएगी. ओके, थस we can communicate with our relatives or friends on photo phone with the physical appearance of each other. matlab simple video nahi dekh sakte, hum unki photo dekh sakte hain. okay, so this is the photo phone. ab yahan pe youtube load ho chuka hoga. okay, so let us start. kehta hai ke na how do what fax machine work. एक्चुअली ये पहले से इसलिए सर्च है कि मैं सच बताऊं कि मैंने ना 15-18 मिनट्स की वीडियो रिकॉर्ड की एंड ये वाली वीडियो पूरी है ना आपको समझाई. बट प्रॉब्लम ये आई कि आई डोंट नो, आज है ना मैंने दो तीन बार मेरे साथ हुआ है. प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा हुआ था कि वॉइस जो वो मेरी रिकॉर्ड नहीं हुई, देयरफॉर मैं अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ. ये ना थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर रहा है आज, बहरहाल सॉरी फॉर देट. खैर मैं ना ओके चल गया, तो मैं इसका साउंड ऑफ कर देता हूँ कि ना आ जाए क्या कहते हैं कॉपीराइट इशू आ जाते हैं म्यूजिक की वजह से अक्सर, तो मैंने इसका साउंड ऑफ कर देता हूँ. ओके, यू कैन सी साउंड ऑफ हो चुका है. अब कहता है कि फैक्स मशीन जो वो इन्वेंट हुआ था 1974 में. ओके, और ये इसकी जो क्वालिटी बहुत ही खराब किस्म की आ रही है, सो क्वालिटी को इंक्रीज करते हैं. सो लेट इट बी लोड. या 1974 में आया और 1999 तक चला. फाइन, अब क्या है? दिस इज अ फैक्स फोन, फैक्स मशीन. इसमें होता क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे ये स्कैन करता है, देन ये सेंड करता है दूसरे फैक्स मशीन के पास उस डॉक्यूमेंट को थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, एंड वो दूसरा फैक्स मशीन उसको है ना कन्वर्ट कर देता है, उसे मतलब प्रिंट कर देता है. कैसे करता है देखो, ये बंदा है ना नंबर डायल कर रहा है जिसके पास उसे सेंड करना है. ओके, जिस मशीन के पास उसे सेंड करना है उसका नंबर डायल किया, देन इसने पेपर डायल किया ना इसमें से पास किया, जिसे अब ये क्या करेगा, स्कैन करेगा. सो यू कैन सी हियर के योर फैक्स मशीन इज स्कैनिंग दिस पेपर. अब ये क्या हुआ, स्कैन हो चुका है पूरा. फाइन, आगे बढ़ेगा. जिस बंदे के पास नंबर लगा है वो दुनिया के जिस कोने में भी होगा उसके पास चला जाएगा. ओके, अब उसके पास क्या आएगा, वो पेपर है ना यहाँ से प्रिंट होके निकलेगा इन नो टाइम. यू कैन सी, देख रहे हैं वो पेपर उसके पास प्रिंट होके आ गया. पेपर इसके अंदर स्टोर होते हैं जैसे प्रिंटर्स के अंदर हम रख देते हैं, वैसे ही ये सिंपली ब्लैक एंड वाइट कॉपी उसकी प्रिंट होके आ गई. एंड दिस इज द यूज ऑफ फैक्स मशीन
जो कि 74 से लेकर 1999 तक चल रही थी. ओके सो कट इट. नेक्स्ट कम्स के यूज ऑफ सेल फोन, उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. एंड यूज ऑफ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर के यूजेस डिस्कस करना है ना, बहुत ही क्रेजी थिंग होगी. कंप्यूटर को हम आज के वक्त में हर जगह पे यूज कर रहे हैं. हर बंदे के पास देखो कंप्यूटर है. कंप्यूटर मतलब हर बंदे के पास मोबाइल है. मोबाइल फोन इज अ कंप्यूटर, टाइप ऑफ कंप्यूटर. ओके तो कंप्यूटर को हम हर जगह पे यूज कर रहे हैं. एजुकेशन हो, कुछ भी मतलब एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेंटर हो गया आपके पास, एंड बिजनेसेस, ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह, मतलब हर जगह पे हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स को. ओके सो मैंने सर्च किया भाई यहाँ पे, जितने भी यूजेस हैं आपको यहाँ पे दिखा देगा. सो मेरा बिंग काम कर रहा है, तब तक मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर दूं. कंप्यूटर की डेफिनेशन आ रही है जब तक बिंग काम करें. कहता है कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली. सो यही चीज है कंप्यूटर आपका, है ना, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन क्रिएट, है ना, काम करता है. और इसकी एक चीज है कि आपके सीपीयू के अंदर, है ना, ये एडिशनल बता रहा हूँ वैसे, ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है. ओके जिसमें अर्थमेटिक एंड लॉजिकल सिस्टम होते हैं. दूसरा कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि आपके एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है. वैसे कंप्यूटर आपके पास एजुकेशन में यूज होता है, होम पे यूज होता है, बिजनेस मार्केटिंग में यूज होता है, बैंकिंग में यूज होता है, हेल्थ केयर मतलब हॉस्पिटल्स में यूज हो रहा है, ट्रेडिंग एंड रिटेल में यूज हो रहा है, गवर्नमेंट उसे यूज करती है, साइंस की फील्ड्स में ये यूज हो रहा है, नासा वगैरह वाले यूज कर रहे हैं, पब्लिशिंग वगैरह, हर जगह पे आपको कंप्यूटर नजर आएगा. देयरफॉर इसका यूजेस है ना वास्ट है. आप डिस्कस करते करते है ना जिंदगी खत्म कर देंगे, लेकिन इसके डिस्कसेस खत्म नहीं होंगे. सो विद दिस आपका लेक्चर जो है आज का वो होता है कंप्लीट, जिसमें हमने डिस्कस किया रेडियो वेव्स क्या के थ्रू डेटा कैसे या इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर की जाती है, एंड फैक्स मशीन, फोटोफोन एंड कंप्यूटर के यूजेस को हमने डिस्कस किया. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी सेल फोन्स एंड आगे वाले स्लोस. ओके टिल दैट बी हैप्पी एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन दबा दो एंड कमेंट करके फीडबैक दे दो एंड साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दो तो आप ऑल द नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएंगे जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा. ओके सो विद दिस गुड बाय टू यू, बाय, बी ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.